तो हे दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कैसे आप लोग स्विफ्ट, मारुति की स्विफ्ट गाड़ी केवल 50,000 की डाउन पेमेंट, मतलब 49,000 की डाउन पेमेंट करके अपने घर ला सकते हो, और जो बाकी का अमाउंट बचेगा उसको आप लोग अलग अलग बैंक से अलग अलग इंटरेस्ट रेट से फाइनेंस करवा करके अपनी मंथली ईएमआई जानेंगे, और ऑन रोड प्राइज, एक्स शोरूम प्राइज, तो पूरी डिटेल से वीडियो में जानेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं इनकी ऑफिशियल साइट पर। तो यहाँ पर देखते हैं, तो हम चलते हैं इनकी ऑफिशियल साइट पर। तो यहाँ हम आ चुके हैं ऑफिशियल साइट पर। तो यहाँ पे हमने एक्स शोरूम मारुति का जो वेरिएंट है, पेट्रोल वेरिएंट, वो हमने एक्स शोरूम प्राइस जानते हैं क्या चल रहा है। वो चल रहा है 5,91,900 रुपये। आरटीओ चार्जेस की बात करी जाए तो 23,636 रुपये आप लोग को आरटीओ चार्जेस देने पड़ेंगे। आरटीओ चार्जेस अलग अलग स्टेट में अलग अलग होते हैं, हमने न्यू दिल्ली के लिए है। इंश्योरेंस की बात करी जाए तो आप लोग को 34,538 रुपये देना पड़ेगा। ऑन रोड प्राइस आप लोग का क्या पड़ेगा, वो पड़ेगा जाके 6,50,114 रुपये। आप लोग 50,000 की डाउन पेमेंट कर सकते हो और गाड़ी घर ला सकते हो। यहाँ पर बात करी जाए कि आप लोग अगर इनका टॉप मॉडल देखते हैं, टॉप मॉडल है स्विफ्ट ZXi+DT-AMT, पेट्रोल वेरिएंट है, और ये एक्स शोरूम प्राइस जो चल रहा है 8,85,500 का चल रहा है, 85,000 सॉरी का चल रहा है। और ऑन रोड प्राइस क्या पड़ेगा, 9,92,275 रुपये ऑन रोड प्राइस पड़ेगा। यहाँ पे बात करी जाए, अगर हम लोग यहाँ पे 50,000 की डाउन पेमेंट कर देते हैं तो हम लोग 6 लाख का लोन लेते हैं, वो भी चलते हैं। तो 6 लाख का लोन लेंगे तो जानेंगे मंथली ईएमआई क्या बनेगी। 6 लाख का लोन लेंगे 4 सालों के लिए, तो मंथली ईएमआई जानेंगे और अलग अलग बैंक के अलग अलग इंटरेस्ट रेट से समझेंगे। तो यहाँ हम आ चुके हैं होम लोन, ये ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, तो जा करके चेकआउट कर लीजिएगा। आप लोग भी अपनी मंथली ईएमआई निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम आ चुके कार लोन पे। तो कार लोन पे हम लोग अमाउंट सेलेक्ट करते हैं 6 लाख, तो 6 लाख का हमें अमाउंट चाहिए। अब इंटरेस्ट रेट की बात करी जाए तो हम आ चुके हैं अपनी ऑफिशियल साइट पर। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा, तो 7.40%, 7.545%, 7.45%। तो स्टेट बैंक ऑफ स्टेट SBI से हम लोग लेते हैं 7.45% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो 7.45 हम रख देते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 7.45। तो यहाँ पे हमने फिलअप कर देते हैं 7.45%। अब मंथली EMI हम लोग को 4 साल के लिए चाहिए, तो जो हम लोग की मंथली EMI जाएगी वो जाएगी 14,493 रुपये। टोटल इंटरेस्ट देना पड़ेगा 4 सालों में 95,681 रुपये, 13% आप लोग दे सकते हैं टोटल इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 86% आप लोग को पूरा लोन अमाउंट देना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप लोन और भी जल्दी पे कर देते हैं तो आप लोग का इंटरेस्ट रेट और भी कम हो जाएगा। जैसे आप लोग 3 सालों के लिए पे करते हैं तो आप लोग की मंथली किस्त तो बढ़ जाएगी, लेकिन आप लोग का जो इंटरेस्ट रेट है वो आप लोग का टोटल कम हो जाएगा, 71,000 बचेगा। अगर आप यही लोन 2 सालों में कंप्लीट कर देते हैं तो 47,000 बचेगा, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितने साल के लिए लेते हैं। इसीलिए मैं इस EMI कैलकुलेटर के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप लोग भी अपनी मंथली EMI आगे पीछे करके एडजस्ट करके आप लोग देख लें कि क्या बन रही है मोस्टली। तो हम लोग को टोटल पेमेंट बैंक को करनी पड़ेगी 6,95,681 रुपये। और यहाँ पे आप लोग को एक चार्ट देखने को मिलता है जिसको आप लोग प्रिंट करवा सकते हैं और PDF बना करके लंबे समय तक सेव कर सकते हैं। जैसे आपको पता लगाना है कि 2022 में मेरी टोटल प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, तो 76,000, इंटरेस्ट कितना होगा 24,000, टोटल पेमेंट कितनी जाएगी 1 लाख, तो और 2022 में मंथली मंथ वाइज भी आप लोग को पता चल जाता है। तो चलिए जानते हैं कि अलग अलग बैंक के अलग अलग इंटरेस्ट रेट क्या चल रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लिया 6 लाख का कार लोन 4 सालों के लिए, तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा से अगर लेते हैं तो 7.40% से चल रहा है। तो इसमें जो आपकी मंथली EMI बनेगी 14,489 रुपये बनेगी। एक्सिस बैंक की बात करी जाए तो यहाँ पे आप लोग को 7.45% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से पड़ेगी, तो आप लोग की जो मंथली EMI बनेगी वो 14,493 रुपये बनेगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जाना जाए तो आप लोग की जो मंथली है 7.45% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 14,493 रुपये आप लोग की मंथली EMI बनेगी। तो अलग अलग बैंक का अलग अलग इंटरेस्ट रेट है, तो आप लोग देख सकते हैं। और HDFC की बात करी जाए तो अलग है, IDBI की बात करी जाए, फेडरल की बात करी जाए तो अलग है। तो अलग अलग बैंक का अलग अलग इंटरेस्ट रेट, अलग अलग EMI बन के आ रही है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।